प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के ध्यान के लिए हमने वचन चुना है इब्रानियों का 10 अध्याय और 36 पद में, जो कि कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर का कार्य होना है, प्रतिज्ञा का फल पाना है, तो हमें धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। हमें वी हैव टू हैव पेशेंस। हमारे जीवन में धीरज रहने से ही, धीरज धरने से ही हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को हम देख सकते हैं, उसके अभिवचन को हमारे जीवन में पूर्तता होते हुए पा सकते हैं। हमने देखा कि हम अब्राहम के जीवन में, जबकि उसको 75 साल में उसको प्रतिज्ञा मिली और 25 साल तक उसको वेट करना पड़ा, 25 साल तक उसको सब्र करना पड़ा, तो कहते हैं कि दुनिया के लोग सब्र का फल मीठा होता है ना। तो हमें बहुत ज़रूरी है सब्र रखना है, हमें धीरज धरना है, तब जाकर हमारा धीरज फल को लाएगा। ईश्वर का इच्छा योजनाएं हमारे जीवन में सफल होगी, जो कि हम आगे पढ़ते हैं कि ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ, यानी कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाना है तो हमें धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए धीरज रखो, परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर प्रतिफल लाएगा। उसके वादे किए हुए वादे वो अवश्य ही पूरा करेगा हम सबके जीवन में। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपका दिन शुभदायक हो।